हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरिफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका यदि पैन कार्ड डैमेज हो गया है या आपका पैन कार्ड खो गया है तो आप एक फिजिकल न्यू पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप कुछ ही मिनटों में आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से फिजिकल न्यू पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। पैन कार्ड को रिप्रिंट करने के लिए आपको पैन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो मैं पैन कार्ड रिप्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइटल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ से टाइटल सिलेक्ट करना है। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने अनुसार आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड पर या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नेम है, वही नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप इंडिया के नागरिक हैं या नहीं हैं। यदि आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने एक कैप्चा कोड होगा। इस कैप्चा कोड को जैसा भी यहाँ पर लिखा है वैसे ही आपको इसे नीचे फिल कर देना है। देन इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एक टोकन नंबर मिल जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको नोट कर रख लेना है। यदि आप अभी रिप्रिंट नहीं करना चाहते तो आप बाद में सिंपली इस टोकन नंबर को डालकर अपना आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी रिप्रिंट करना चाहूँगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सबमिट डिजिटल थ्रो EKYC e-sign paperless। तो मैं जो है रिप्रिंट इसी ऑप्शन की मदद से करना चाहूँगा। इसमें मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। और यदि आप अपने पैन कार्ड में फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, साइन अपलोड करना पड़ेगा, और आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं, पैन कार्ड डिस्पैच की फ़ीस जो है वो 107 रुपये है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की लास्ट 4 अंकों को डालना है, और इसके नीचे आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब ये होगा कि आधार कार्ड पर जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आपके पैन कार्ड पर होगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपका नेम होगा, जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। तो यहाँ पर देखिए जेंडर सिलेक्ट नहीं है, तो आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हैं आप मेल फीमेल। अब इसके बाद आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। मदर नेम ऑप्शनल है, आप मदर नेम यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर एक सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन होगा, तो जितनी भी आपने डिटेल भर दी हैं उसे सेव करने के लिए आपको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना ISD कोड यानी कि कंट्री कोड डालना है, तो यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पर नीचे आपकी ईमेल आईडी होगी। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पर हिमसेल्फ या हरसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्लेस डाल देना है जहाँ आप रहते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर होगा, और इसके नीचे आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक डालने हैं, और आपको अपने फॉर्म को सही से चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म में कोई यहाँ पर गलती तो नहीं है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको इस पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
देन इसके बाद यहाँ पर चार्ज दिया गया है, यहाँ पर ई साइन का यहाँ पर 5.90 रुपये चार्ज है, तो टोटल जो चार्ज है वो है 106.90 रुपये। इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है, तो इसके बाद आपको पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप पेमेंट यहाँ से पेटीएम से कर सकते हैं, या आपके पास डेबिट कार्ड है या आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक पेमेंट रिसीप्ट मिल जाएगी और आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आपको पीडीएफ में प्रिंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके का फॉर्म मिल जाएगा, तो इस फॉर्म पर नॉलेजमेंट नंबर होगा। इस नॉलेजमेंट नंबर से आप अपने पैन एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड रिप्रिंट अभी हुआ है या नहीं हुआ है, आपका पैन कार्ड अभी भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। अभी तक आपके मोबाइल नंबर पर भी SMS आ जाएगा जब आपका पैन कार्ड इंडियन पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा, फिर आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। 1 या 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा आपका पैन कार्ड आने में, और जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी उस पर आपका ई पैन कार्ड भी आ जाएगा, और जो PDF फाइल होगी उसका जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप न्यू पैन कार्ड रिप्रिंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 1 या 2 वीक में आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। यदि आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ।